हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू, दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ चैनल मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट की जिनकी भी सिचुएशन है, अगर आप ये वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं तो हो सकता है ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के चैनल मैसेज आपको आगे भी मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लाइक करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। मेल फीमेल सबके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ही आपको कॉन्टैक्ट करना है, लेकिन ये पेड सर्विस है गाइस, फ्री रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं, ये पेड सर्विस है, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रह जाता है। ज़्यादातर मैसेज आते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है। फीस डेफिनेटली हम लेते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आप मेरे ये चैनल है, इसके ऊपर आप अपने मैसेजेस ले सकते हैं। अगर आपको सिचुएशन रेजोनेट होती है, आप इसमें दी गई गाइडेंस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जो भी आपके पर्सन हैं इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उनकी एनर्जी कनेक्ट हुई है, तो आज इसीलिए मैं आपको वही मैसेज देना चाहती हूँ। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ऐसा मुझे ना महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है, कुछ बोल नहीं पाना है, मन ही मन में इतना ज्यादा परेशानियां, एकदम घुटन जैसा हो रहा है कि बहुत कुछ उन्होंने अपने अंदर दबा के रखा है जो आपसे वो कह नहीं पा रहे हैं। सी, ठीक है, यही एनर्जी मुझे अभी फील हो रही है आपके पर्सन की। कार्ड्स भी आ गए, इसीलिए मैंने कार्ड्स की भी हेल्प ली ताकि मैं और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में, जहाँ पे भी हैं इस वक्त ब्रोकन हार्ट है। मैं ये भी चेक करूँगी कि आपसे तो वो नो कॉन्टैक्ट में है, तो फिर उनका दिल क्यों टूटा। ठीक है, देखिए आपके पर्सन यहां पे सोच रहे हैं आपके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में उनको पता चला है अभी अभी। उनको सपनों में आपके एंजल्स ने ऐसा दिखाया है, किसी ना किसी ऐसी शक्ति डिवाइन एनर्जी आपके पर्सन के साथ है, जो कंटिन्यूसली उनको हिंट दे रही है कि आपके साथ उनका कोई डिवाइन कनेक्शन है। इस बात से आपके आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा क्लैरिटी कहीं से नहीं मिल रही है, कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि आखिर क्यों उनके साथ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। जब भी आंखें बंद करते हैं आपका चेहरा दिखाई देता है, जहाँ पे भी जाते हैं आपका नाम सुनाई देता है, या आपके नाम जैसे जिनका आपके नाम है वैसे वैसे ही उनका भी नाम सेम है, ऐसे पर्सन उनको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और इस वक्त हो चुके हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान। ये कर रहे हैं आपकी डिवाइन एनर्जीज, क्योंकि आप हैं एक डिवाइन जर्नी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जर्नी का भी कार्ड है। ये आपके पर्सन को समझ में आया है कि आपके साथ उनका कोई रिलेशन है, आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं कि जहाँ से भाग पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। ये दो कार्ड्स हमारे तो आपने देखा ही है, रिवर्स में आए थे, तो मैं वैसे ही रीड करती हूँ क्योंकि रिवर्स कार्ड आने का भी अपना एक मीनिंग होता है। तो ये चीज़ें देख रही हूँ कि वो आपके जो पर्सन है इस वक्त अपने इंट्यूशन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं गाइस, और जबकि उनको बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज आपकी हेल्प कर रही हैं, एंजल्स इतना ज़्यादा मैसेजेस उनको कर रहे हैं, हर जगह उनको सिंक्रोनिसिटी हो रही है। आपकी आपका ही चेहरा हर जगह उनको दिखाई दे रहा है, आपकी खुशबू उनको फील होती है कि जैसे कि आप आसपास हैं। कभी कभी वो बैठते हैं तो उनको आपकी आवाज़ तक सुनाई देती है कि जैसे कि
आपने उनको बुलाया हो। इस तरह की हरकतें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, आपके पर्सन के साथ हो रही हैं और ये सब कर रहे हैं डिवाइन, ताकि उनको भी समझ में आए कि वो आपके साथ एक जर्नी पर हैं और आप दोनों का एक सॉल मिशन है, जिस वजह से आपके पर्सन अब आपसे कांटेक्ट करने में कतरा रहे हैं, डर रहे हैं और यही वो रीज़न है कि उनका दिल आज टूटा हुआ है। परेशानी की बात इस वक्त सिर्फ इतनी सी है कि आपके जो पर्सन हैं इस वक्त अपनी इंट्यूशन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनको बहुत ज़्यादा हिंट नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही उनको समझ में आ रहा है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है। आप उनको कोई रास्ता बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिस भी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं उससे आप उनको बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन का कहना है। आज की जो रीडिंग हो रही है, ये जो मैसेज है ये सबके लिए नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज है जो कि स्पिरिचुअल कपल के लिए, जो कि ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उन लोगों के लिए ही आज ये चैनल मैसेज हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की हो रही है अवेकनिंग। यहाँ पे देख रहे हैं सिक्स चक्र का भी कार्ड है और यहाँ पे गोडेस ऑफ द मून कार्ड है, तो एनर्जीज तो उनको ब्लेस कर रही है। सपने में आना इत्तेफाक नहीं हो रहा, उनके साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं वो इत्तेफाक नहीं है। तो अगर आपने प्रे की है, अगर आपको एंजल्स पे भरोसा है तो वो भरोसा बनाए रखें, आप प्रे करते रहें, ताकि आपके जो डिवाइन पार्टनर हैं, ठीक है, वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाए। उनको आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, उनको ब्लेसिंग की ज़रूरत है, उनको प्रेयर की ज़रूरत है। उनका अभी तक एक्शन लेने का मन है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपके मन में भी ये सवाल आया है कि अगर वो तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको किसने रोका है? अगर उनको इतनी याद आ रही है, इतनी सिंक्रोनिसिटी हो रही है आपके पर्सन के साथ, तो वो मैसेज क्यों नहीं कर रहे? उसके पीछे एक वजह नज़र आई है। उनकी फैमिली में कोई ऐसी लेडी है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, इस वजह से ही उनका दिल टूटा हुआ है कि वो चाह के भी आपसे कांटेक्ट नहीं करते, आपसे बात करना चाहते हैं। उनको डिवाइन गाइडेंस आ रही है बार बार कि आपसे कांटेक्ट किया जाए, आपसे बात की जाए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने अपने आप को एक तरह से आइसोलेट कर लिया हो, जैसे अपने आप को बंद कर लिया है। वो गाइडेंस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो मैसेज कैच नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके पर्सन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। उनको एंजल्स बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, आपसे कांटेक्ट करें। उनकी फ्री विल का भी सम्मान करते हैं एंजल्स, कि उनको मजबूर इतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन हैं थोड़े से ज़िद्दी, उन्होंने अपने आप को तो यहाँ पे बांध के रखा है। उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो खुद एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करने में। उनको डर लगता है आपसे बात करने में, आपसे रिश्ता जोड़ने में। उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ रिश्ता बढ़ाया तो जो एक लेडी है उनकी फैमिली में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, अभी और मैसेजेस लेते हैं। यहाँ पे नंबर है हमारे पास 5, 7, 3, 4, 9, 2, 2, 11 नंबर भी है, 17, 9 नंबर। ये नंबर मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अभी और देखते हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं एनर्जी ब्लेस करती है, आप बार बार मेरी रीडिंग देखते हैं, तो लाइक करना कभी ना भूले, क्योंकि इससे मिलता है हमको एप्रिसिएशन, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं और हेल्प कर पाते हैं।
आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, सी आप देखिए किस तरह के कार्ड आ रहे हैं, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। नंबर 4, नंबर 10, KSTGAMRJUAHN, ये अल्फाबेट मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, एरिस की एनर्जी भी यहाँ पे है। 2 of Cup, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड इस रीडिंग में 2 बार आया, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है गाइज। ये देखिए द वर्ल्ड कार्ड 2 बार आया है इस रीडिंग में, ये दिखाते हैं कि बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की जिंदगी में खास करके आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइज आपके पर्सन का। एरिस लियो सेजिटेरियस जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, स्कॉर्पियो पाइसेस कैंसर की भी एनर्जी है। देखिए आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, अब मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं बट कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं थक गया हूँ, अब मैं कितना करूँ और कब तक करूँ, किसके लिए करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस मैं चाहता हूँ कि अब कोई मेरी मदद करे, मुझे रास्ता दिखाए, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी बंद कमरे में कैद कर दिया गया है, जहाँ पे रोशनी की कोई किरण नहीं आती, जहाँ से सांस लेने के लिए भी हवा प्रॉपर नहीं आ रही है। मुझे बहुत घुटन हो रही है अपनी ज़िंदगी से, मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे नहीं समझ में आता है। जिम्मेदारियाँ भी इतनी हैं, उन जिम्मेदारियों को मैं कैसे पूरा करूँ, कैसे मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करूं, कैसे मैं इस रिश्ते के लिए सब कुछ करूं, मुझे नहीं पता चल रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है कि हाँ हम दोनों का कोई रिश्ता है, ये बात मुझे पता है। इस वजह से ही मैं भूल नहीं पाता हूँ, मेरे दिमाग में, दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल रहता है, इस रिश्ते के अलावा मैं कुछ नहीं सोच पाता हूँ। बहुत भुलाने की कोशिश की है, बहुत दूर जाने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ जिन लोगों के भी साथ हूँ वो मेरे अपने नहीं हैं, वो मुझे बार बार धोखा देते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ बुरा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता है वो मेरे साथ बुरा करते हैं लेकिन मुझसे नहीं होगा किसी के भी बुरा। मैं क्या करूँ, मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है, बट मुझे कहीं से भी कोई रास्ता नहीं निकल ता हुआ दिखाई दे रहा कि अब मैं इस उलझन से बाहर आऊं तो आऊं कैसे। मुझे भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे साथ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतना सेल्फिश कैसे बन जाऊं कि अपनी खुशी के लिए मैं दूसरों की लाइफ खराब कर दूं, ये मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है। बहुत कोशिश करता हूँ, अपने आप से लड़ता हूँ, दिमाग में हमेशा 24 घंटे फाइट चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये रिश्ता निभाने के लिए सक्षम नहीं हो पाता हूँ, कमज़ोर पड़ जाता हूँ। मुझे डर है, डर इस बात का कि अगर मैंने ऐसा किया तो समाज क्या बोलेगा, मेरा परिवार क्या बोलेगा। बट अगर तुम मुझ पे भरोसा करती हो तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मुझे अगर भगवान एक मौका दे, पूछे तुम क्या चाहते हो, तो मैं तुम्हें मांगूंगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, हर जन्म में तुम्हारे साथ रहना है, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में हम दोनों एक हों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। तो आज की रीडिंग गाइस आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे आ रहा था वो यही है। जिनको भी रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, स्पिरिचुअल कपल हैं, ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, आपके साथ भी सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा बढ़ गई होगी इन दिनों, वो इस वजह से भी है क्योंकि डिवाइन एनर्जीज अगर वर्क करती हैं वो दोनों तरफ से करती हैं,
आपकी भी हेल्प करती हैं, और आपका जो काउंटर पार्ट है, जो आपका डिवाइन मस्कुलिन है या फिर डिवाइन फेमिनिन है, उनकी भी डिवाइन एनर्जीज ऐसे ही हेल्प करती हैं। और अभी आपके पर्सन को गाइडेंस दी जा रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो उस गाइडेंस को समझ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से वो आपसे अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।